इंडिया के अंदर अगर 150 सीसी के सेगमेंट में कोई कंपनी बेस्ट बाइक प्रोवाइड करवाती है तो वो है यामाहा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामाहा के सभी बाइक्स और स्कूटर्स के प्राइसेस के बारे में और उनके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं आज के हमारे को-होस्ट से जिनका नाम है आकाश भाई। तो आकाश भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बढ़िया। तो सबसे पहले तो हमें ये बात बताइए कि रिसेंटली जो यामाहा ने वर्जन 4 लॉन्च किया है तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? सर यामाहा का जो वर्जन 4 है उसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत बेटर है। अच्छा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही R15 अगर यामाहा की हम बात करें तो किंग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इसका जो कंपैरिजन है बहुत गाड़ियों से होता है और R15 वर्जन 4 में जो टेक्नोलॉजी और दी है कंपनी ने वो और भी बेस्ट कर दी है, मतलब काफ़ी एडवांस बना दिया, बहुत ज़्यादा एडवांस बना दिया है। तो पहले तो हमें ये बताइए जब वर्जन 4 लॉन्च कर ही दिया गया है तो वर्जन 3 कंटिन्यू रहेगा या डिसकंटिन्यू कर दिया गया? बिल्कुल, वर्जन 3 अभी कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि डिसकंटिन्यू होगा, क्योंकि वर्जन 3 की भी बहुत अच्छी खासा रिस्पॉन्स है। अच्छा, और कुछ कस्टमर हैं ऐसे जो वर्जन 3 में, जो वर्जन 3 पसंद करता है वो तो वही लेगा। तो हम चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्जन 3 के बारे में। तो इस बाइक के अंदर हमें सिंगल सिलेंडर SOSC इंजन प्रोवाइड किया गया है जो पावर प्रोड्यूस करता है 18.6 PS तक की। बाकी बताएंगे आकाश भाई, बताइए। सर इस गाड़ी के अगर हम फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो इंजन दे रखा है 155 cc का, सर 6 गियर स्पीड दी है गाड़ी के अंदर, तो मतलब वो तो 150 cc के लिए काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है सर, क्योंकि इसकी पावर को अगर हम बात करें पावर को वही बढ़ाता है। नॉर्मली ना 150 cc के बाइक्स में 5 गियर अलाउड दिए जाते हैं, हाँ, बाकी इसमें 6 गियर होने से थोड़ा एडवांस फीचर हो गया और इसकी पावर को और परफॉर्मेंस को बढ़ाता है वो। प्लस इसके अंदर गाड़ी के अंदर रेडिएटर दिया हुआ है सर, मतलब गाड़ी अगर हीट होती है तो उसको कूलेंट करने के लिए, और प्लस इसके अंदर आपको विद LED लाइट दी हुई है और स्पीड और डिजिटल मीटर दिया हुआ है गाड़ी के अंदर, फ्यूल इंडिकेटर हैगा, सर्विस रिमाइंडर हैगा, और भी ऐसे फीचर्स हैं इसके अंदर, माइलेज तक आपको इसके अंदर बताएगा गाड़ी के अंदर, मतलब फुली लोडेड है, फुली एडवांस फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर। बाकी इसके अंदर हमें फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है जो काफ़ी बाइक की माइलेज को इंक्रीज कर देता है। सर फ्यूल इंजेक्टर जो है आपका माइलेज भी, अगर मैं बात करूँ माइलेज आपकी इंक्रीज करता है, प्लस पिकअप भी बढ़ जाता है गाड़ी का। तो अब हम बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो प्राइस क्या कोट करेंगे आप? सर प्राइस है इस गाड़ी का 185,900 अप्रोक्स, जो कि ऑन रोड प्राइस है। सो अब हम बात करते हैं हमारी मोस्ट अवेटेड बाइक V4 के बारे में, जिसे हाल ही में यामाहा ने इंडिया के अंदर लॉन्च किया है। बेसिकली हमें ये बाइक दो वेरिएंट्स के अंदर प्रोवाइड की गई है, फर्स्ट है हमारी R15M और सेकंड है हमारी R15 वर्जन V4। बाकी जो हमारी R15M है वो R1 के ऊपर बेस है। सर R15M जो अभी लॉन्च किया है कंपनी ने, उसमें जो डिफरेंस दे दिया है वर्जन 3 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, क्योंकि गाड़ी जो है एक ही है, सेम इंजन है, सेम लुक है, बस थोड़ा सा ये जो R1M है हमारी, वो R1M की जो ओरिजिनल गाड़ी है उसका बेस मॉडल है एक तरीके से, बिल्कुल मतलब उसके ऊपर बेस है, बिल्कुल बेस है। इसके अंदर चेंजेस कर दिए कंपनी ने, एक तो इसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर दे दिया है सर, ठीक है, जो कि मेन कस्टमर का जो कंसोल है उसके ऊपर ही है, एक क्विक शिफ्टर दे दिया है और एक आपका लोगो चेंज कर दिया है, 3D लोगो आ गया है आपका देख रहे हैं, प्लस सस्पेंशन जो है यूनिटाइड सस्पेंशन दे दिए हैं इसके अंदर रिवर्स वाले, मतलब काफ़ी पहले से एडवांस कर दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर दिया है। इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी और है TCS की सर, ओके, वो जो कि वो हमारे वर्जन 3 में नहीं है सर, नहीं है वो M में ही आई हुई है, M में आई हुई है और एक वर्जन 4 में आई हुई है सर। तो अब हम आते हैं हमारी मॉन्स्टर के ऊपर, तो बताइए इसके बारे में। M को और हम मॉन्स्टर को कंपेयर कर नहीं सकते, सिर्फ कलर वाइज और ग्राफिक्स चेंज कर दिए हैं, क्योंकि जो कुछ कस्टमर्स हैं हमारे उन्हें मॉन्स्टर ज़्यादा पसंद रहता है, शुरू से वर्जन 3 में भी मॉन्स्टर थोड़ा स्पोर्टी लुक देता है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर स्कूटर की भी हम बात करें, स्कूटर में भी मॉन्स्टर यामाहा ने दिया है, ठीक है। बाकी जो टैंक में लिखा हुआ है यामाहा, मतलब कनेक्टेड वगैरह, ये क्या है सर? ये यामाहा कनेक्टिविटी है सर आपकी फ़ोन के साथ, ओके, फ़ोन के अंदर जैसे कि अगर आप राइड पे चल रहे हैं कोई इमरजेंसी कॉल वगैरह वो आपके डिस्प्ले में शो कर सकती है, शो करेगा, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन दे दिया है, हाँ ऑप्शन दे दिया है सर इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। और प्लस इसके अंदर सर आप अपने फ़ोन के 5 ऐप हैं उनकी नोटिफिकेशन भी शो होगी। बाकी बैठ के एक बार देख लेते हैं, हम बात कर दें, बैठ के देखिए सर, थोड़ा सा कम्फर्ट इसका पहले से बेटर है, थोड़ा सा उसको ना नैरो कर दिया है और बाकी पहले के मुकाबले तो सही है, बहुत ज़्यादा सही है। बाकी इसमें वाइजर वगैरह भी बड़ा कर दिया गया है,
और प्राइसिंग की बात करें तो ये क्या प्राइसिंग में पड़ जाएगी? प्राइसिंग तो बहुत बेस्ट है इसका सर, इसका प्राइस जो है 2,07,800 रुपये है। अच्छा, हाँ जी सर, 2,07,800 ऑन रोड रहेगा? ऑन रोड रहेगा सर। अच्छा, और बाकी एम में जो है उसमें डिफरेंस क्या रहेगा प्राइसिंग का? सर एम में और इसमें जो डिफरेंस है वो ग्राफिक्स को लेकर है। हमारा एम है ग्रे सिल्वर कलर, हम ग्रे भी कह देते हैं, सिल्वर भी बोल देते हैं जो कस्टमर्स पूछते हैं। प्राइसिंग का क्या रहेगा? प्राइसिंग इसका रहेगा सर 2,05,500 रुपये एम का। एम का और मॉन्स्टर एडिशन का 2,07,000। और V4 की बात करें तो वर्जन 4 की अगर हम बात करें इसके अंदर सर कलर का है, अगर हम बात कर रहे हैं ब्लैक मतलब डार्क नाइट और आपका रेड कलर, उसमें सेम प्राइस है वो आपको पड़ेगा 198 का। 198, हाँ, वो 2 से नीचे हो गया, वो और सस्ता हो गया सर। ठीक है, प्लस वर्जन 4 का 199.9 पड़ेगा आपका। अच्छा, अप्रोक्स 2 के अराउंड, मतलब 5000 या 2000 का डिफरेंस रहेगा हर मॉडल में। हर मॉडल के अंदर तो सर सबसे पहले बताइए, हमारे पास जो FZX है हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है, तो क्या क्या फीचर है इसके अंदर? सर फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी 149cc में तैयार करी हुई है। पूरी गाड़ी का जो लुक दिया है सर, सबसे पहला है इसका लुक सर, जो कि इस प्राइस के अंदर है। फीचर्स में अगर हम बात करें सर, इसके अंदर डुअल चैनल डिस्क ब्रेक दिया है। अदर गाड़ियों को देखते हुए 150cc के अंदर सिंगल चैनल ही होता है और ऑप्शनल रहते हैं, इस गाड़ी के अंदर डुअल डिस्क ब्रेक दिया है, सिंगल चैनल ABS दिया है सर। ठीक है, BI फंक्शनल LED लाइट दी है, प्लस प्रोजेक्टर लैंप दिया है इस गाड़ी। प्रोजेक्टर से काफ़ी लुक निखर जाती है सर, प्रोजेक्टर से लुक तो निखरती है ही, एक फोकस अगर हम बात करें फोकस बहुत अच्छा हो जाता है गाड़ी का, मतलब पहले के मुकाबले ना काफ़ी चेंज कर दिया इस बाइक को। बहुत ज़्यादा सर, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। जो हमारी पहले आती थी ना FZS, उसके अंदर ही अपग्रेड करके FZX के अंदर ये चीज़ दी हुई है। FZS के अंदर आपको प्रोजेक्टर नहीं LED मिलेगी, देन इसके अंदर LED के साथ आपको प्रोजेक्टर लैंप भी दिया, लैंप भी दिया है, और इसके अंदर फुल्ली डिजिटल मीटर है सर आपका, फुली डिजिटल है। हाँ जी सर, बाकी इसका टैंक भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है सर। इस गाड़ी के अंदर 3 कलर आते हैं, 3 कलर, एक आपका फिनिशिंग मैट ब्लैक आता है, और एक आपका ग्लोसी ब्लू आता है, रेसिंग ब्लू कहते हैं उसे, और एक कॉपर आता है इसके अंदर, हम इसे ऑरेंज कहते हैं। ऑरेंज कहते हैं, हाँ जी। बाकी यामा नेकेड कैटेगरी के अंदर 2 बाइक्स को प्रोवाइड करवाती है, पहली हमारी जो थी FZX थी, और सेकंड है हमारी MT15। तो 150cc कैटेगरी की ये बाइक भी ना काफ़ी धांसू है, इसके अंदर हमें 150cc का लिक्विड कूल्ड इंजन प्रोवाइड किया गया है, और मज़े की बात ये भी है कि इसके अंदर हमें 6 गियर देखने को मिलते हैं। बाकी आकाश भाई बताइए। सर अगर हम बात करें इंजन की, तो इस गाड़ी के अंदर जो इंजन दिया है वो सेम आपका R15 का इंजन, मतलब सेम है, सेम इंजन है नेकेड के अंदर, नेकेड के अंदर पावर सेम ही मिल, पावर सेम ही मिल जाएगी। 6 गियर स्पीड है इसके अंदर भी आपका, जब सेम इंजन है, और प्लस एक चीज और भी है सर इसके अंदर आपका, कि ये जो गाड़ी है आपकी नेकेड में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो आपको अदर ब्रांड में 150cc में तो नहीं मिलने वाली, नहीं मिलेगी, नहीं मिलने, क्योंकि 6 गियर आ गए ना तो बात वहाँ खत्म हो गई, खत्म हो जाती है। बाकी बेसिकली कलर कितने आते हैं इसके अंदर? बेसिकली कलर इसके सर 3 कलर आते हैं, एक आपका फ्यूजन व्हाइट आता है, एक अरमाडा ब्लू आता है, और एक ग्लोसी ब्लैक आता है। 3 कलर और वेरियंट, मतलब तीनों और एक से एक होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर मॉडल 2 आते हैं, एक तो नॉर्मली आता है सर आपका, देन एक आता है कस्टमाइजेशन। अच्छा, कस्टमाइजेशन में जो है सर वो है टंकी का कलर चेंज हो जाता है आपका, देन व्हील का चेंज हो जाता है, अलॉय व्हील, अलॉय व्हील जैसा आप चाहें वैसा इसके अंदर कस्टमाइज करवा सकते हैं। वो थोड़ा सा प्राइस को लेकर डिफरेंस रहता है, लेकिन गाड़ी सेम रहती है, परफॉर्मेंस सेम रहती है गाड़ी की, बिल्कुल ओके। तो अब इसके प्राइस के ऊपर आ जाते हैं, तो प्राइस क्या रहेगा इसका? सर इस गाड़ी का जो प्राइस रहेगा वो भी कुछ खास नहीं है, एक लोएस्ट प्राइस दिया है कंपनी ने। अगर हम बात करें R15 की, जो R15 का 2,00,000 से ऊपर जा रहा है प्राइस इसका, वही बहुत कम है प्राइस, ये प्राइस आपको पड़ेगा 1,72,000 रुपये की, 1,72,000 रुपये की नेकेड में। हाँ जी, नेकेड में सर 172। तो यामा की बाइक तो है ही धांसू, पर हम बात करते हैं अब यामा की स्कूटर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस स्कूटर के बारे में, इसका नाम है फसिनो। तो वैसे तो बेसिकली हमें इस स्कूटर के अंदर काफ़ी कलर्स और वेरिएंट बहुत सारे मिल जाते हैं, बाकी स्कूटर भी काफ़ी लाइट वेट है, सिर्फ 99 kg का ये स्कूटर है। बाकी बताएंगे हमारे आकाश भाई, बताइए। सर अगर हम फसिनो की बात करें, फसिनो में ना अब एक नया मॉडल आया है, क्योंकि यामा ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है यामा हाइब्रिड। हाइब्रिड में जो बेनिफिट्स हैं, जो अलग है, जो एक्स्ट्रा है, वो इसका डिजिटल मीटर दिया है कंपनी ने, और इसके अंदर LED लाइट दे दी है। ठीक है, प्लस सर इसके अंदर डिस्क ब्रेक के साथ आपको गोल्डन अलॉय व्हील दिए हैं, गोल्डन, जो कि किसी भी ब्रांड में टू व्हीलर में नहीं है। बाकी लुक तो काफी पहले से चेंज कर दिया गया सर, लुक बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है इसमें। और बाकी इसके अंदर कितने कलर और वेरिएंट मिलते हैं हमें? कलर वेरिएंट इसके अंदर वैसिनो के अंदर आते हैं
सात कलर आते हैं सर। सात कलर और वेरिएंट आते हैं, मतलब सब अलग अलग प्राइजेस में कुछ डिफरेंट रहता है? हाँ सर, प्राइस में भी थोड़ा डिफरेंट लेता है वो मॉडल को लेकर। अच्छा सर, जैसे कि इसमें ये हमारे दो टॉप मॉडल है जिसमें ब्लैक और रेड आ रहा है, स्पेशल एडिशन है, और फिर उससे नीचे आता है सर आपका डिलक्स। डिलक्स के अंदर आता है सर एक अर्माडा ब्लू और आपका कॉपर कलर आता है। उसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के हमारा ब्लैक, सियान ब्लू, डार्क ब्लू। बाकी फीचर वाइज भी कोई डिफरेंस रहता है? नहीं सर, फीचर वाइज सेम थिंग सेम ही रहेगा, सेम इंजन है, सेम शेप है, सेम वेट है गाड़ी के अंदर। बाकी कंफर्ट तो काफ़ी ठीक है, मैं बैठ के देख लेता हूँ एक बार। कंफर्ट चल चलने वाइज एकदम सही है, पोस्चर भी इसका ठीक है, हाइट वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, लाइट वेट है, सिर्फ 99 kg का स्कूटर है। उसका बेनिफिट है सर, बिल्कुल उसका बेनिफिट है कि सर आपका एवरेज जो है ना, सबसे बड़ी बात अगर हम टू व्हीलर में बात करें स्कूटर में, एवरेज कस्टमर को सबसे ज़्यादा एवरेज की जरूरत होती है। प्राइसिंग वगैरह की बात करते हैं, तो प्राइसिंग क्या रहने वाली है सर? प्राइसिंग जो है हमारी स्कूटर की ड्रम ब्रेक में अगर आप जाते हैं तो आपको 86 से पड़ेगी स्टार्ट। ठीक है, 86 से, और जो हमारा टॉप मॉडल है वो 94 का पड़ेगा, डिस्क ब्रेक वाला। डिस्क ब्रेक वाला, उसमें जो कलर वगैरह है सब 94 में ही आ जाएंगे। हाँ जी, कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। फसिनो के अलावा भी यामा आपको एक और स्कूटर का ऑप्शन प्रोवाइड करती है जिसका नाम है रेजेडा। ये 125cc का स्कूटर भी काफ़ी स्पोर्टी लुक में आता है, तो बताइए आकाश भाई। सर 125cc में स्कूटर रेजेडा स्ट्रीट रैली, ठीक है, इसे रेजेडा स्ट्रीट रैली बोलते हैं, टॉप मॉडल में आता है रेजेडा के। और सर अगर हम बात करें इसकी लुक की, सर फुल्ली एरोडायनामिक शेप दे रखी है गाड़ी की, मतलब एवरेज भी बढ़ जाती है, एवरेज भी बढ़ जाती है, कंफर्टेबल रहता है और काफ़ी कंफर्टेबल है, और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, 99 kg का ये स्कूटर है। ठीक है, इसके अंदर आपको ऑफ रोड टायर मिल जाएंगे सर, जो मतलब हिमालयन वगैरह में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हिमालयन वगैरह में आते हैं, और इससे क्या है सर, ये स्किट नहीं करेगी गाड़ी आपकी, और एवरेज इसकी बढ़ जाएगी। रोड ग्रिपिंग ना इसकी 30% एक्स्ट्रा होती है गाड़ी की। और इसके अंदर फीचर्स की अगर हम बात करें तो सर एक इसके अंदर आ रहा है 125cc के अंदर ऑटो कट इंजन स्टार्ट। ओके, उसका बेनिफिट है सर अगर आपकी गाड़ी 45 डिग्री के टेम्परेचर पे है तो ऑटोमेटिकली अगर आप कहीं रुकते हैं गाड़ी के लिए तो आपकी गाड़ी 3 से 4 सेकंड में ऑफ हो जाएगी अपने आप। ओके, और अगर आप रेस देंगे तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, मतलब बिना सेल्फ दिए स्टार्ट हो जाएगी, बिना सेल्फ दिए स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। फुल्ली गाड़ी के अंदर डिजिटल मीटर दे रखा है सर, इसके अंदर आपका बैटरी रिमाइंडर, फ्यूल रिमाइंडर और सर्विस रिमाइंडर, ओके, सारी चीज इनबिल्ड है, मतलब छोटे छोटे फीचर से सारी गाड़ी फुली लोडेड हो जाती है। बिल्कुल फुली लोडेड हो जाती है। और आप देख रहे हैं सर यहाँ पे गाड़ी के ऊपर जो ये वाइजर के ऊपर जो ये LED लाइट का जो ऑप्शन है ना यामा का सर, ये बहुत यूनिक बनाता है, बिल्कुल ये इसको पहचान देता है गाड़ी को। तो किस प्राइसिंग में कोड करते हैं आप ये गाड़ी? सर ये जो हम प्राइस कोड कर रहे हैं इसका गाड़ी का अभी 91,500 है इस गाड़ी का प्राइस। इसके अंदर अभी और भी मॉडल आने वाले हैं जिसके अंदर आपको एडवांस फीचर मिलेंगे, ठीक है, जैसे लाइक ब्लूटूथ। भाई कलर वगैरह कितने आते हैं सर? कलर इसके अंदर दो आते हैं, एक ग्रीन आता है, एक आपका ब्लू आता है सर। ठीक है, दो कलर वेरियंट है और 91,500 में प्रोवाइड करते हैं, बाकी लोन वगैरह इस पर हो ही जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से।